गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? तो ये मैं बना चुकी हूँ सुबह काले चने, लंच में दे रही हूँ पार्थ को। आज आपके जीजू का वर्क फ्रॉम होम है और अभी मैं चपाती बना के हटी हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने दाल और प्याज के आटे के पराठे बनाए हैं। और सुबह सुबह मैंने बना ली है हरी चटनी, धनिया अदरक हरी मिर्ची। तो बस मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, फिर आपको मिलते हैं, इसको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं तब। जय गुरु जी, कैसे हैं? तो हो गया नाश्ता, लंच का सब कुछ तैयारी। पार्थ को स्कूल छोड़ दिया, वापस आकर घर पर सबको नाश्ता करा दिया, दाल प्याज के पराठे हरी चटनी के साथ, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद आपके जीजू गए हैं अपनी मीटिंग अटेंड करके बाहर, कुछ एक फ़ोटो कॉपी करवानी थी उनको ज़रूरी डॉक्यूमेंट की, तो बस आने वाले हैं। और मैंने देखो क्या किया है, आज मैंने आपके लिए अपना डेली स्किन केयर रूटीन वीडियो शूट कर लिया है। मुझे बहुत टाइम से लोग मेरे दोनों चैनल्स पर पूछ रहे हैं अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, स्किन केयर रूटीन बताओ। तो भैया मेरा बहुत ही सिंपल स्किन केयर रूटीन है, अब मैं वो वाले वीडियोस लंबे लंबे स्टेप्स वाले नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती थी। जब मैं प्रियाज ब्यूटी जोन पर वीडियोस बनाती थी तो प्रोडक्ट्स भी बहुत आते थे। अब मैं अपना वापस सिंपल रूटीन पर आ चुकी हूँ, दो तीन प्रोडक्ट्स ही बस मैं लगाती हूँ। तो मैंने उसका रील बना दिया है, ठीक है ना? यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, रील चेक करनी पड़ेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज प्रियाज इंस्टा पे, तो वहाँ पर आप देख लो। और अब मैंने आज बाल भी स्ट्रेट करे हैं क्योंकि मुझे अपने और भी रील्स शूट करनी है। और मेरा टाइम हो रहा है योगा क्लास का, 11 बजने वाले हैं, 11:15 हो गए हैं, तो मुझे अपनी क्लास के लिए रेडी करना है मैट वगैरह। एक घंटे की योगा क्लास के बाद आपको मिलूँगी और भी ज़्यादा फ्रेश होकर, फिर उसके बाद लंच की कुछ तैयारी करेंगे। अच्छा, काले चने तो मैंने लंच के लिए बना ही रखे हैं, तो मुझे कुछ सब्जी तो नहीं बनानी है। लेकिन आज स्नैक्स में मैंने पार्थ को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उसको मंचूरियन और नूडल्स बना के दूंगी। मैंने मकबैंग किया था ना, तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, और आपको पता है मैं उसको बाहर की चीज़ें अवॉइड करती हूँ खिलाना, तो तब से उसका मन था। उसने एक बाइट तो टेस्ट करी थी, वो तो बनता ही है बच्चे का, तो मुझे बोल रहा था मम्मी मुझे आपके हाथ के मंचूरियन नूडल्स खाने, तो आज हम शाम की स्नैक के लिए वो बनाएंगे, ठीक है? चलो अब मैं योगा करके आपको मिलती हूँ। हेलो, तो मैं आपको मिल रही हूँ लगभग 2 घंटे बाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फाइनली मुझे एक हाउस हेल्प मिल गई है डस्टिंग और कपड़े वाले काम के लिए। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, नज़र लग जाती है बड़ी जल्दी, बट मिल गई है और अच्छी मिली है। तो आज मैंने उसको सारा काम समझाया है कैसे करना है, उसके साथ सारा बताया उसको, एंड शी इज़ गुड। इसलिए मेरे 2 घंटे कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं अपने वीडियोस भी नहीं शूट कर पाई जबकि मैंने बाल भी स्ट्रेट करे थे, क्योंकि सारा टाइम उसी में निकल गया। और एडिटिंग पे भी मैं अब बैठी हूँ, और अब बज गए हैं 3:30 बजे बाद की छुट्टी हुई, तो उसको लेने जाना है मैंने। गाइस ये देखो न्यू टी सही आई है, यह खुली आई है, मोहित सही आई है। तुम फिर एकदम ऐसे कसी कसी सी पहनते हो, गया ये तो यार पतले हो गए हो तुम। ओ माय गॉड गाइस, मिंत्रा से मंगाई मैंने इनके लिए 4 टी-शर्ट्स ऑर्डर करी, अभी एक ही आई है, यही तो पंगा हो गया। एक मैंने तुम्हारी शर्ट मंगाई वाइट, ये आ गया बड़ा साइज, एक्सचेंज में देख लो, पहले टाइट आई थी इनको, किसी में कोई साइज आता है किसी में कोई। यहाँ आम से ठीक तो है मोहित, नहीं ढीली हो जाएगी एक बार धोके, मैं बता रहा हूँ तुमको, और ढीली हो जाएगी फिर पहनी नहीं जाएगी। तो एक साइज छोटा मंगाओ। हाँ क्या लार्ज है ना ये है। अबे कैमरे में क्या दिखाना है, खुद ही देख लो। लार्ज। हाँ तो फिर मैं लार्ज साइज पहनता ही नहीं, स्लिम। मीडियम साइज। यस। मोटे। अरे मतलब नॉर्मल। इसमें तो 42 मंगाना पड़ा ना शर्ट में, तो 40 नहीं आया तुम्हें। जब भी हम अलमारी खोलते हैं ना दिवाली पे, तो खोल के ऐसे लगता है कि उसमें कोई कपड़ा ही नहीं है पहनने लायक नया, है ना? अभी होली आ रही है, अब अलमारी खोल के देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा सारे नए कपड़े। सही है, होली में कौन सा खराब करो। मैं तो हर साल तो मैं होली की टी शर्टें मंगा लेती हूँ अमेजोन से, वही हम फिर बाद में नाइट सूट की तरह पहनते रहते। इनका 42 खराब है, इनका सब ब्रांड्स का अपना अपना साइज है। गाइस ट्राई करते करते सेकंड भी आ गई, ये देखो ये इनको पसंद आई, फिटिंग है ना?
जब भी, ये भी लार्ज है अलग ब्रांड में, तो भी ब्रांड का खराब पर तुम्हें साइज ठीक आया इसका। जैक एंड जोन्स, तो ब्लू वाली वापस कर दूं है। ठीक है, ये शर्ट भी ट्राई करके देखो। सो फ्रेंड्स, मंचूरियन बॉल्स बनानी है बिना मैदे के, हेल्दी वाली। तो मैंने अभी एक दो वीडियोस देखे हैं, बट मैं थोड़ा सा अपने दिमाग से बना रही हूँ। इसमें है कैबेज, कॉलीफ्लावर और शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ठीक है। गाजर नहीं थी मेरे पास तो मैंने नहीं डाली, लोग वो भी डालते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी, ये वाला कप जो है मेरा, इसके दो, ठीक है। अपने अंदाजे से मैं बैटर को बनाऊँगी, और जितनी सूजी है, मतलब जिसकी भी सूजी है उसकी आधी दही डाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, जो कि मंचूरियन में डलता है, लेकिन मैदा नहीं डलेगा। तो ओ भाई साहब, लगभग समझ लो आप एक चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, ठीक है, 1 टेबलस्पून। अब बाकी बचा हुआ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जी, ये गया ये वाला कप का पानी, और आधा और, बस अभी इतना ही। और क्योंकि सूजी फूलती है, तो इस सब मिक्सचर को हम कम से कम 10-15 मिनट रेस्ट के लिए भी रखेंगे, ठीक है जी। और बहुत सारे मंचूरियन बॉल्स बन जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको बहुत तरीके से खा सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं जी नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है जी, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, बस और कोई मसाला नहीं। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स, और इसको हम रख देते हैं रेस्ट पे 15-20 मिनट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, टाइम टू फ्राई आर मंचूरियन बॉल्स। अब ये देखो आप, और भी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। इस टाइम इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, ओनली 1/2 टीस्पून। ये देखो गाइस, ठीक है, बस इतना ही डालेंगे, और भगवान का नाम लो, क्योंकि इतना सारा गतावा बना दिया, पता नहीं इसका बॉल बनेगा कि नहीं। नहीं बनेगा तो जिसने सिखाया है उसका बॉल बना देंगे हम। तो गाइस, ये जो है ना, इसका मुझे लग नहीं रहा है कि बॉल बनेगा, मैं डालूंगी तो बिखरने का मुझे को शौक है बड़ा, गाना गाना पड़ेगा, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा बेसन डाल रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना गाइस, थोड़ा सा बेसन डालेंगे, और इतना बॉल बन गया है कि हमको लग रहा है हमको ये जो साइड में हमारे खड़ी है, जो ना अपना हाथ आने देती है, ना पैर, ना साड़ी, ना मुंह, ना नाम, उसको भी देना ही पड़ेगा लग रहा है। उसको ऐसे ठूस के खिलाएंगे ना हम कि 2 जन्म तक खाना नहीं खाएगी। हे भगवान, ये हमको अभी भी नहीं लग रहा कि ये बनेगा। माता रानी, ये क्या हो गया, लेते हैं एक बारी, देखते हैं कि क्या ही बनता है। जय गुरु जी। साइज बॉल, जय गुरु जी, बन गया रे, बन गया। हमारा बच्चुआ बहुत शौक से खाएगा, चिंता नहीं करने कि स्वाद में पास है कि फेल है। नमक कम लग सकता है, अच्छा खाओ खाओ, सही बताना है अगर सच में नमक कुछ भी नहीं डालोगे। अरे वाह, ये तो जय गुरु जी हो गया, बहुत कुरकुरा मस्त है। अरे अरे अरे, अंदर से पक गया ना, चलो हमारे लड़के को ऐसे ही जुगाड़ पे जिंदगी चलता है रे। आटे ने बचा लिया, थोड़ा बेसन ने बचा लिया, मैं तो बहुत गर्म गर्म है ना, ताजा ताजा। हाँ। देख, कोई मिर्च मिर्च नहीं है इसमें, सिर्फ नमक और काली मिर्च, मतलब और कोई मसाला नहीं है। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले। जामबती भी सोच रही है, दीदी मेरे पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, ठीक बना है कि नहीं बना है, जामबती खा के बताएगी। तो गाइस देखो, फाइनली गुरुजी ने लाज बचा ली, आटे ने भी बेसन ने भी मिलके लाज बचा ली, और हमारी मंचूरियन बॉल्स मस्त बन रही हैं। और मैंने टेस्ट करवाया इसको, जो मेरी बगल में खड़ी है, कैसा लगा? थोड़ा ऊँचा बोल दे। बहुत अच्छा लगा उसको, गरम गरम केचप के साथ खिलाए हम, कह रही है दीदी बस है, तो बस पास हो गया उसका हमारा।
देख लो गाइस, हेल्दी है ना बिना मैदे के, बस डीप फ्राइड है वो तो है, उसका भी तरीका ढूंढा जा सकता है कि कैसे हम इसको एयर फ्रायर में बना लें बिना ज़्यादा डीप फ्राई करें, या फिर शैलो फ्राई कर लें तो और भी हेल्दी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मस्त से मंचूरियन बॉल्स बन चुके हैं और चलो अब हम ग्रेवी में डालते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मेक ग्रेवी। ऑयल हीट कर लिया है मैंने, इसमें हम पहले डालेंगे गार्लिक, सॉटे करेंगे इसको, मीडियम फ्लेम है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कर रही हूँ मैं। ओ खुशबू भाई, ओ भाई, आई लव द स्मेल ऑफ गार्लिक इन ऑयल। थोड़ा प्याज डालेंगे, सॉटे करेंगे, वेजीज, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और ब्रोकली, आपके पास जो भी सब्जियां आप डाल लो, हेल्दी बनाओ, फूल सारी सब्जियां डालो, किसी भी तरह से सब्जियों का इस्तेमाल किया करो, बस बच्चों के अंदर जाए, टेस्टी भी लगे सामान और हेल्थ भी हो जाए साथ में, है ना। अब हम रस में डालेंगे सॉल्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर और आप चाहो तो रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हो, मिक्स अच्छे से। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं वाटर और हम सब्जियों को करेंगे थोड़ा सा बॉईल। सो फ्रेंड्स, एक से दो मिनट सब्जियाँ बॉईल हो गई हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टोमेटो केचप और ऐड करेंगे हम डार्क सोया सॉस, मिक्स कर लेंगे सब कुछ अच्छे से और हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स विद 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ा, जब तक ये थिकन हो जाए और फिर एंड में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर। अब हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, अभी तक कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारी ग्रेवी थिक होनी शुरू हो गई है। अब देखो फ्रेंड्स, मस्त थिक सी ग्रेवी बन गई है हमारी। इस टाइम पर मैं इसको थोड़ा सा लिड को ढककर तो पकाऊंगी, ठीक है, मैंने लो फ्लेम कर दिया है और बस 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे लिड को ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं और एकदम मस्त टाइम है ग्रेवी में हमारी मंचूरियन बॉल्स डालने का। अब हमें बॉल्स डालकर भी इसको 2 मिनट पकाना है ताकि हमारी बॉल्स जो है वो अच्छे से ग्रेवी जो है मंचूरियन की थोड़ी सी सोक कर लें और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सूजी वाली है ना तो कुछ ज़्यादा ही कुरकुरी सी हैं। तो अब बस मैं लिड को फिर से ढक देती हूँ। ऊपर से डालने के लिए मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं है गार्निश करने के लिए, बट डेफिनेटली यू कैन डू वॉट एवर यू विश टू। फ्रेंड्स, मंचूरियन इज रेडी टू बी सर्व्ड। ये देखो, बस नूडल्स नहीं बन पाए हैं क्योंकि आटा नूडल्स है नहीं घर पे और मैं मैदे वाले नहीं खिलाना चाहती हूँ, तो हम खाली ग्रेवी मंचूरियन को एंजॉय करेंगे। वाओ, खुशबू इज ऑसम, मैंने इसकी ग्रेवी टेस्ट भी कर ली है, एकदम सब कुछ बढ़िया है। सो लेट्स सर्व। सो जी फ्रेंड्स, दोनों को दे दिए मैंने, मैं सिर्फ 2 पीस खाऊंगी और ये मेरा डिनर हो जाएगा आज, तो मैं भी खाऊंगी यार, बनाया है तो। यहाँ आपकी जीरू की फिर से कॉल्स हैं, हेलो, उनको वहीं पे दे दिया मैंने, यहाँ पे पार्थ खा रहा है, एकदम कमाल बना है सही में, आई लव यू, जय गुरु जी। ये देख और ले लेना। अरे गाइस, ये सब कमाल है इनका, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू, क्योंकि यही डालते हैं स्वाद मेरे खाने में, वरना हमारे इस हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आई लव यू गुरु जी। देखें, अभी तक नहीं शुरू किया तुमने खाना? बस अभी करने लगा हूं। क्या प्रोटीन शेक पी रहे थे? हाँ। फोन की बैटरी जाने वाली मेरी। हाँ। बहुत ऑसम बने हैं। सही में? हाँ। मंचूरियन जैसा टेस्ट आ रहा है? बिल्कुल। पार्ट ने तो खुशी खुशी खा लिए। तुमने तो लगभग मेरे जैसे बना दिए एकदम स्वाद। हाय हाय हीरो, पार्ट को तो बब भी आ गया खा के, पेट भर गया उसका। चलो गाइस, देखा कैसे अच्छा लगता है जब घर वालों को पसंद आए कुछ बनाओ तो, बहुत अच्छा है, इंजॉय। हेलो जी, तो हम सब ऐसे ढीले ढीले घूम रहे हैं। हम डिनर करने लगे हैं सारे, मतलब मैं, मोहित और पार्थ, तीनों हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के, हमने कहा चलो टेबल पे बैठते हैं साथ में।